कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करे अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, है ना। नया टॉपिक जो है, आज हम पढ़ेंगे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स के बारे में। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स के बारे में, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। देखो, एंटी कन्वल्सेंट आपने कभी पेशेंट को देखा है, ऐसे पेशेंट जिसको मिर्गी मारता हो, है ना। मिर्गी, आम भाषा में इस कन्वल्सन को हम बोलते हैं मिर्गी, मिर्गी मारना। आप देखे हो बच्चों को, स्पेशली बच्चों को देखा जाए तो कन्वल्सन होता है, कन्वल्सन मिर्गी मारना, है ना। जैसे कि सडन जो है क्या होता है, कभी कहीं ना कहीं किसी भी जगह ये मिर्गी मार सकता है। तो उसमें जो मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, बॉडी का मूवमेंट जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, है ना। वो जो है बंदा जब इस कन्वल्सन होता है, है ना, तो वो जो है उसका मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और वो नीचे गिर जाता है, है ना। मिर्गी वाले जो पेशेंट होते हैं, है ना, उनके जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये जो कन्वल्सन है, ये आपके मूड या आप बोल सकते हो ब्रेन रिलेटेड डिजॉर्डर है। मेनली ये न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर, है ना। तो न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर जो है कन्वल्सन, इसको ठीक करने के लिए हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग इस्तेमाल करते हैं। तो हमें तीन चीज यहां जानना पड़ेगा, कन्वल्सन क्या है, ठीक है, कन्वल्सन क्या है, एपिलेप्सी क्या है, ठीक है, और सीजर क्या है। ये तीन चीजें जो है हमें जानना पड़ेगा, तभी जो है ये इस डिजीज के बारे में हमें समझ में आएगा, ये डिजीज के बारे में हमें समझ में आएगा। एसआरएम गुड आफ्टरनून। तो आपने कभी देखा है क्या मिर्गी वाले पेशेंट को, मिर्गी वाले पेशेंट को? अगर नहीं देखा है तो ऐसे टाइप का पेशेंट आपने देखा है, मिर्गी जब मारता है तो जो जमीन में गिर जाते हैं, कंट्रोल में नहीं रहता बॉडी, है ना, वो कहीं भी गिर जाते हैं, ऐसे टाइप का पेशेंट। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, पहले बात जानते हैं ये सीजर्स क्या होता है, सीजर्स, सीजर्स क्या होता है। तो सीजर जो है, ये हमें ब्रेन के फिजियोलॉजी के बारे में पहला समझना पड़ेगा। देखो, आपका जो ब्रेन है, मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, और ब्रेन जो है बहुत सारे न्यूरॉन से बना हुआ था, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर तो ये न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन जो है ब्रेन में, आपको ये इस टाइप के सेल जो है देखने को मिल जाएंगे, न्यूरोनल सेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रेन में जो सेल्स पाए जाते हैं, न्यूरोनल सेल्स, ये करोड़ों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं, ठीक है।
तो ये जो न्यूरॉन्स है इनका एक प्रॉपर्टीज है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, है ना। जैसा हमारा बल्ब इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है ना, वैसे ही हमारा न्यूरॉन्स भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। तो ये बहुत बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में मौजूद है। समझने की कोशिश करो, थोड़ा डीप में जाएंगे तभी जो है इस डिजीज के बारे में आप समझ पाओगे। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है आपके ब्रेन में मौजूद है। मान लीजिए ये छोटा सा न्यूरॉन्स है, मैं न्यूरॉन्स का ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया, ये मान लीजिए न्यूरॉन्स है। तो मान लीजिए मैं दो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बना दिया यहां, तो न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और जो है बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो सीधा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी समझ रहे हो, और वो भी मिली वोल्ट में, ये तो हजारों वोल्ट का है, तो मिली वोल्ट में ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके न्यूरॉन्स में पास करता है। जैसे हमारा ट्रैफिक है ना, हमारा ट्रैफिक, ठीक है, तो ट्रैफिक का जो नेटवर्क होता है शहर में, उसको हम मान के चलते हैं न्यूरॉन्स, क्योंकि आजकल भी जो ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिक चलते हैं। जो मान लीजिए यहां ट्रैफिक लाइट्स की बात करें, ट्रैफिक लाइट है ना, तो बहुत सारे चौक पे जो है ट्रैफिक लाइट जो है गवर्नमेंट ने दे दिया है सभी चौक पे, है ना, सभी क्रॉसिंग पे, ठीक है। तो मान लीजिए ये छोटा सा नक्शा बनाया है मैंने, तो ये है, ये मान लीजिए ये हाईवे है रोड से, और ये जो क्रॉसिंग पड़ता है यहां पे, मान लीजिए ये ट्रैफिक लाइट लगा है, ठीक है, ये मान लीजिए जहां जहां दो तीन क्रॉसिंग दिख जा रहे हैं वहां वहां जो है ट्रैफिक लाइट है, समझ लो। तो ये न्यूरॉन्स भी ऐसे ट्रैफिक लाइट जैसे हैं, ये एक एक रोड जो है मान लीजिए न्यूरॉन्स है, और ये जो जंक्शन है न्यूरॉन्स का बीच जो जंक्शन होता है, ठीक है, ये होता है ट्रैफिक लाइट। मैं बस एग्जांपल के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये दे रहा हूं। तो ये जो नेटवर्क होता है ना, ये जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, मान लीजिए जैसे ट्रैफिक लाइट का जैसे नेटवर्क होता है, वैसे ट्रैफिक लाइट का नेटवर्क जैसे रोड में रहता है, ये ऐसे ब्रेन में रहता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो इसे ऐसे जो है जुड़े हुए हैं, न्यूरॉन्स के बीच जो है वो कनेक्शन बनते हैं। तो मैं ये दो न्यूरॉन्स के बारे में बताया, इसमें और चार पांच न्यूरॉन्स भी इकट्ठा होकर एक जंक्शन बनाते हैं, ट्रैफिक लाइट बनाते हैं, समझ रहे हो। तो मेन प्रॉब्लम कब आता है, जब मान लीजिए वो ऑटोमेटिक तो चल रहा है, तो यहां अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, तो ट्रैफिक लाइट जो है वो अपना काम नहीं करेंगे। तो लाइट का इंपोर्टेंस क्या है, ट्रैफिक लाइट का इंपोर्टेंस क्या है, वो जो है रोड को सेफली मैनेज करते हैं, है ना, सेफली मैनेज करते हैं। आप लोगों ने भी ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल है उसको ओबे करते हो, ठीक है, जिससे कि एक्सीडेंट नहीं होता, ना होने के बराबर है। वैसे ही न्यूरॉन्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे में पास कर रहे होते हैं, ये जंक्शन के थ्रू जो है ये पास होता रहता है। ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है यहां से आया, फिर ये इसके थ्रू यहां से आया, इसके थ्रू इस न्यूरॉन्स पे गया, ये मान लीजिए न्यूरॉन है। तो यहां मैं एक जो है ट्रैफिक लाइट को एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब ट्रैफिक लाइट जो है डिसकनेक्टेड हो गया, मींस पावर सर्किट हो गया, तो वो ट्रैफिक लाइट जो है काम नहीं करेंगे, तो लोग जो है वो क्या होगा, लोग जो है इधर उधर जाएंगे, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, एक्सीडेंट्स होंगे। वैसे ही अगर यहां इलेक्ट्रिकल चार्ज
इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो कम ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम ज्यादा होता है, तो यहां प्रेशर पड़ता है कहां पे, आपके जंक्शन पे, जंक्शन पे समझ रहे हो। तो ये जैसे कि ट्रैफिक लाइट, मान लीजिए ट्रैफिक लाइट है, ये ट्रैफिक लाइट नहीं चलेगा तो यहां लोग जो इस तरह से आएंगे, इस तरह से चारों ओर से जब आ रहे हैं तो लोगों का जमावड़ा हो जाएगा, ट्रैफिक जो है ट्रैफिक जैम हो जाएगा समझ रहे। वैसे ही यहां पे ऐसे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो आपका ये भी आपको मालूम है कि जो न्यूरॉन्स वो बॉडी को कंट्रोल करते हैं, तो ब्रेन में जो भी सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है बह रहे हैं, ये बह रहे हैं, बह रहे हैं मीन्स आप बोल रहे हो ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारा बॉडी जो है वो मूवमेंट करने लगता है। तो सब यहां से बॉडी जो है कंट्रोल हो रहा है, ब्रेन ब्रेन जो है बॉडी को कंट्रोल कर रहा है थ्रू न्यूरॉन्स, थ्रू न्यूरॉन्स। तो यहां से न्यूरॉन जो है, यहां से न्यूरॉन आपके मसल्स में कनेक्टेड है, आपके आईज में कनेक्टेड है, आपके जो है स्केलेटल मसल्स में कनेक्टेड है, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स में कनेक्टेड है। तो जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है डिस्चार्ज ज्यादा होता है तब जो है एपिलेप्सी या सीजर्स होता है, तब जो है सीजर्स होता है समझ लो, सीजर्स, हम अभी सीजर्स पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तब जो है सीजर्स होता है। समझ में आ रहा है। तो यहां कहने का मतलब यह है जो बिलियन सब न्यूरॉन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो पास होता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अगर अनकंट्रोल होता है, अनकंट्रोल होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल या न्यूरॉन्स में कोई खराबी हो जाता है, तो ये वेयर है, मान लीजिए ये भी वेयर है ना, ये भी वेयर है मींस न्यूरॉन्स को हम वेयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं और ये जो जंक्शन होता है उसको ट्रैफिक लाइट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वेयर अगर खराब हो जाएंगे है ना तो ट्रैफिक लाइट नहीं जलेगा। या दूसरा बात ये है, दूसरा बात ये है अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर नहीं पहुंच पाएंगे है ना तो जो है वो खराब हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो न्यूरॉन्स हैं, यहां जो ट्रैफिक लाइट की बात कर रहा हूं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो ट्रैफिक लाइट है वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो सिग्नल सही तरीके से जो है बता नहीं पाएंगे, सो नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये होता है सीजर्स, ये होता है सीजर्स, समझ में आ रहा है। और ये सीजर जो है होल ब्रेन में भी हो सकता है और किसी किसी स्पेसिफिक जगह पे भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं सीजर्स, सीजर्स समझ रहे हो। तो इसको हम कैसे इंग्लिश में डिस्क्राइब करेंगे, सीजर जो होता है ये सडन होता है, अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस इन न्यूरॉन्स है ना, सडन, ये हम सीजर्स को सडन बोल सकते हैं, सडन ठीक है, सडनली होगा, ये अनकंट्रोल होगा, अनकंट्रोल्ड, सडन अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना जो मिली वोल्ट में यहां जो है मूवमेंट कर रहा है, जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है, ब्रेन जो स्टिमुलेट हो रहा है तो बाकी सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी इसके साथ जो एक्टिवेट होते हैं, तो वो नहीं हो पाता समझ रहे हो, या बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो है यहां इफेक्ट देखने को मिलता है, आपके मसल्स जो है देखने को मिलता है, वो जो है अननेसेसरीली इनवॉलंटरीली कंट्रैक्शन होते हैं, इनवॉलंटरीली मींस हमारे कंट्रोल में जो है, हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड जाके वो कंट्रैक्शन होते हैं, हमारे कंट्रोल में मसल कंट्रैक्शन नहीं होता, समझ में आ रहा है। तो ये होता है सडन अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या डिस्टरबेंस बोल सकते हो, डिस्टरबेंस, इसको हम बोलेंगे सीजर्स, या आप बोल सकते हो एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन, एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन ठीक है। तो
और थोड़ा सा अगर डीप में जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होता है वो भी जान लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होता है वो भी जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मेनली बॉडी में हमारे जितने आयन्स होते हैं, है ना, इसमें रहते हैं आपके सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, है ना, कैल्शियम आयन। ये सारे आयन्स जो हैं कुछ नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, है ना। तो इस आयन्स के वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होता है। स्टेप्स ऑफ न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में आपको थोड़ा सा मैंने इसके बारे में जानकारी दिया था, है ना, चैप्टर नंबर 2 में आप देखिएगा। तो वहां इसमें देखोगे न्यूरोनल सेल्स में, है ना, इसमें ये आयंस का एक्सचेंज होता रहता है सेल के मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसके वजह से जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बनता है और ये पास करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में, समझ लो। तो ये होता है सीजर्स। तो यहां इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो अनकंट्रोल हो रहा है, जिसके वजह से मसल्स जो है वो अनकंट्रोल कंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये होता है सीजर। तो सीजर्स को लेके इपिलेप्सी होता है, सीजर्स को लेके इपिलेप्सी होता है। कैसे, देखो इपिलेप्सी जो होता है ये ग्रुप ऑफ डिजॉर्डर्स है, ग्रुप ऑफ डिजॉर्डर्स है, समझ लो, ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स। मींस यहां हम एक बार अगर सीजर होता है तो कुछ जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो एबनॉर्मल होता है। तो ये बार बार होने लगे, सीजर्स अगर बार बार होने लगे तो उसको हम बोलेंगे इपिलेप्सी, बार बार होने लगे तो उसको हम बोलेंगे इपिलेप्सी, दैट इज नोन एज कन्वल्सन, दैट इज नोन एज कन्वल्सन। तो दोनों की मिला के हम कन्वल्सन बोल सकते हैं। तो कन्वल्सन क्या होता है, इट इज द सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द बॉडी, सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट कैन नॉट कंट्रोल, दैट कैन नॉट कंट्रोल मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन को ये कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको हम बोलते हैं कन्वल्सन, ठीक है। ये होता है एपिलेप्सी, ये होता है सीजर। समझ में आया तो कमेंट में इपिलेप्सी लिखिए, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स पे इपिलेप्सी लिखिए, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स पे इपिलेप्सी लिखिए। सिम्टम्स अगर देखेंगे, सिम्टम्स अगर देखेंगे तो सीजर्स जब होता है तो बंदा जो है उसका मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है ना, मसल कंट्रैक्ट हो जाता है, जर्किंग होता है, ठीक है, वो जो है खुद को पटकेगा, खुद को पटकेगा, समझ लो, मसल जब कंट्रैक्ट होगा तो खुद को पटकेगा, जर्किंग, है ना, जर्किंग होता है, ठीक है। उसका जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं रहता, कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं रहता, अपने आपे में नहीं रहता, जिसको हम बोलते हैं अपने आपे में नहीं रहता, सेल्फ कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकता। तो ये होता है सिम्टम्स जब सीजर्स होता है। तो सीजर जब बार बार होता है तो उसको हम बोलेंगे इपिलेप्सी, है ना, जिस शॉर्ट में एक बार, शॉर्ट में एक बार देखो, बस नीरज इतना समझ लो, इपिलेप्सी या कन्वल्सन ऐसा है जब सीजर्स होता है। सीजर्स क्यों हो रहे हैं, जब जो न्यूरॉन्स है आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए वो एक्टिविटी का सहारा रहते हैं। मींस हमारे ब्रेन में भी कहीं ना कहीं मिली वोल्ट में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है, समझ रहे हो, ताकि जो है बाकी न्यूरॉन्स भी एक्टिवेट होते हैं। इसका आप 3D एनिमेशन भी देख सकते हो, है ना, 3D एनिमेशन भी देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के बीच जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है। तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है जब ज्यादा हो जाता है तो वो जो है वो मसल्स पे, आईज पे, जो भी हमारे बॉडी पार्ट न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, वो भी
इफेक्ट होता है। तो यहां मेनली मसल्स जो है हमारे वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो पेशेंट जो है अपने आपे में नहीं रहता और वो जो है गिर जाता है और जमीन में ही वो जो है उसका जर्किंग होने लगता है ना। तो ये होता है सीजर। सीजर आप ना देखोगे तो उस पेशेंट को समझ जाओगे कि वो जो है एक सीजर पेशेंट है, सीजर पेशेंट है, उसको इपिलेप्सी हो रहा है, इपिलेप्सी हो रही है। देखोगे तो बच्चों को ज्यादा होता है, समझ रहे हो, ये बच्चों को ज्यादा होता है। ओके नीरज, ठीक है, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स पर इपिलेप्सी लिखिए फटाफट। समझ में आया हो तो सारे जो है कमेंट्स में लिखिए इपिलेप्सी, इपिलेप्सी, ठीक है। और इसके टाइप्स अगर देखेंगे, टाइप्स अगर देखेंगे तो सीजर्स जो है ये देखो आपके स्क्रीन पर ही दिख रहा है, एक फोकल सीजर होता है, ऊपर में जो एरो है वो ऊपर में जो राउंड बॉक्स है ना ब्लू कलर के, फोकल, फोकल मींस एक स्पेसिफिक जगह पे अगर सीजर्स हो रहा है तो उसको हम फोकल सीजर भी बोलते हैं, है ना। जनरलाइज्ड सीजर पूरा होल ब्रेन पे अगर होता है सीजर्स तो हम बोलते हैं जनरलाइज सीजर। और कुछ कुछ टाइम पे हम इसको नहीं भाप पाते, नहीं जान पाते कब होता है, कहां पे होता है, किस जगह पे होता है, तो उसको हम बोलते हैं अननोन अनसेट या अननोन सीजर्स, समझ लो। तो ये ब्रेन में कुछ पोर्शन में होता है और सभी जगह पे होता है। जनरलाइज्ड मींस फुल ब्रेन पे और फोकल मींस कुछ कुछ ब्रेन पोर्शन पे, ठीक है। और देखोगे फोकल सीजर्स में जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है ना, लेवल ऑफ अवेयरनेस कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता। बंदा गिर जाता है वो समझ में नहीं आता कि वो इसके साथ क्या हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अवेयरनेस इम्पेयर्ड अवेयरनेस, है ना। और फोकल सीजर में नीचे अगर आओगे फीचर्स ऑफ सीजर, फीचर्स ऑफ सीजर इसमें देखोगे तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। देखो ट्विस्टिंग मसल जो है मरोड़ने लगेंगे खुद में, है ना, जर्किंग, ये सारे स्टिफनेस, ये सारे चीजें जो है देखने को मिलता है, समझ रहे हो। तो ये मोटर न्यूरॉन जो है मसल्स के साथ कनेक्टेड रहता है, ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, इसलिए फोकल में जो ग्रीन कलर में जो बॉक्स है मोटर, मोटर के अंदर ये ट्विस्टिंग जर्किंग स्टिफनेस ये सारे चीजें आते हैं। नॉन मोटर में देखो चेंज इन सेंसेशन, चेंज इन सेंसेशन, है ना, थिंकिंग एक्सपीरियंस, ये सारे जो है नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये आपको आपके अवेयरनेस जो है आपके जो कॉन्शियसनेस माइंड है वो इसमें नहीं रहता, ये होता है फोकल सीजर। वैसे ही जनरलाइज्ड सीजर के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपके अवेयरनेस जो है वो नहीं रहता, है ना, अवेयरनेस जो है वो आपके नहीं रहता, ये सीवियर होते हैं एज कंपेयर टू फोकल सीजर, समझ रहे हो। एज कंपेयर टू फोकल सीजर जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहते हैं क्योंकि होल ब्रेन में ये सीजर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी टोनिक क्लोनिक सीजर्स होता है, टोनिक होता है या क्लोनिक होता है, मायोक्लोनिक होता है, एटोनिक होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टोनिक और क्लोनिक का मतलब क्या होता है मैं और एक फोटो में आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं और एक फोटो में आपको बताऊंगा। देखो टोनिक क्लोनिक सीजर्स जो होता है ये होता है टोनिक क्लोनिक सीजर्स, है ना, फेज वन फेज टू और फेज थ्री ए बी सी जिसको दिया गया है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं आपको देखने में आसानी होगा, दिख रहा है, दिख रहा है। देखो टोनिक फेज में क्या हो रहा है, टोनिक फेज में क्या हो रहा है, टोनिक फेज जो है ये जनरलाइजिंग सीजर्स के अंदर आता है, है ना, ये जनरलाइजिंग टोनिक क्लोनिक है, मींस इसके अंदर जनरलाइज सीजर में ये टोनिक क्लोनिक होगा। टोनिक या क्लोनिक ये दोनों जो है मसल्स रिलेटेड मेडिकल टर्म होते हैं, मसल्स रिलेटेड मेडिकल टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें बॉडी जो है स्टीप हो जाएगा, है ना, बॉडी जो है स्टीप हो जाएगा,
आपके लिम्स जो है, आपके पैर हाथ जो है वो जो है स्टीप हो जाएंगे, है ना। आप जो है थोड़ा ऊपर उठने लगोगे, बैक आर्च जो लिखा है ना, आप थोड़ा ऊपर उठने लगोगे, ठीक है। क्लोनिक फेज में देखेंगे तो जो आपका सलाइवा जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आइस ब्लिंकिंग होगा क्लोनिक फेज में, ये बात कर रहा हूं मैं, है ना। इसमें जो है आपका जो हाथ पैर हैं वो जर्किंग होने लगेंगे, उसके साथ 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 आपका हेड जो है वो भी जर्किंग होने लगेगा। तो ये होता है क्लोनिक फेज। और तीसरा जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजनल फटिगो। ये दोनों फेज जाने के बाद, होने के बाद जो है ये तीसरा फेज होता है, जिसमें लिम्फ एंड जो आपका बॉडी लिम्स है वो वैसे के वैसे रह जाता है, आदमी जो है थक जाता है, आदमी जो है थक जाता है। ये होता है जनरलाइज्ड सीजर में टोनिक क्लोनिक सीजर, है ना, टोनिक क्लोनिक सीजर। ये इसका बॉडी मूवमेंट है, जब इपिलेप्सी या सीजर्स होता है तो बॉडी पोस्चर जो है ऐसा हो जाता है, क्योंकि मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, स्टीप हो जाते हैं, है ना। या बोल सकते हो आप मसल्स जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के वजह से ऐसा हो रहा है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन ब्रेन, इसके वजह से सीजर्स होता है, सीजर्स की वजह से टोनिक क्लोनिक और पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजनल फटिगो होता है। फटिगो का मतलब होता है, यहाँ फटिगो का मतलब होता है थकावट, है ना, थकावट। समझ में आया? ओके, ये होता है टोनिक क्लोनिक सीजर। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं। एक हो गया, अगर स्पेसिफिक ब्रेन के जगह पे न्यूरॉन्स अगर सीजर्स कर रहे हैं तो उसको हम फोकल सीजर बोलेंगे। अगर होल ब्रेन में अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे जेनरलाइज्ड सीजर, जेनरलाइज्ड सीजर। समझ में आया? ये होता है टाइप्स ऑफ सीजर। और सीजर्स को लेके जो है आप इसको इपिलेप्सी क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम सीजर्स पढ़ लिए, इपिलेप्सी पढ़ लिए, कन्वल्शन पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ सीजर्स पढ़ लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, है ना। तो कन्वल्शन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, इस ड्रग का महत्व यहाँ क्या है, क्यों हम ये ड्रग्स देते हैं। ऑब्वियसली हम जो है कन्वल्शन के अगेंस्ट, कन्वल्शन को काउंटर करने के लिए, इपिलेप्सी को काउंटर करने के लिए ये ड्रग्स देंगे, ठीक है। तो सभी इसमें जितने भी ड्रग्स आएंगे ना, इसमें जितने भी ड्रग्स आएंगे इसके अंडर, सभी कहीं ना कहीं, सबका कहीं ना कहीं एक ही एम होगा कि वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में बहुत जोरों से हो रहा है उसको कैसे करके बंद कर सके, है ना। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और ये जो ड्रग है ये कभी नहीं कन्वल्शन को ठीक कर पाते हैं, जब कन्वल्शन होगा तब जो ये ड्रग दोगे, समझ रहे हो। तो ये रूट कॉज पे जो है इस्तेमाल नहीं होते, रूट कॉज पे मींस टोटली क्योर नहीं कर पाते। जिसको इपिलेप्सी एक बार हो चुका है उसको बार बार होगा, उसको बार बार सीजर्स होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। तो पहला जो ग्रुप है वो है हाइडान्टोइन, 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 हाइडान्टोइन में आपको फेनाइटोइन, मेथाटोइन, ये सारे दो ड्रग आपको जानना पड़ेगा, फेनाइटोइन, है ना। और ये जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाले ड्रग है फेनाइटोइन, मेथाटोइन, मेथाटोइन, ठीक है, फेनाइटोइन, मेथाटोइन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरा कैटेगरी के ड्रग्स के बारे में, वो होता है बारबिट्यूरेट्स, बारबिट्यूरेट्स, हमने पढ़ा था कल बारबिट्यूरेट्स के बारे में, बारबिट्यूरेट्स। और बारबिट्यूरेट्स में हमने पढ़ा था फेनोबारबिटन, आपने याद कर पा रहे हो या नहीं, फेनोबारबिटन, ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस होता है इपिलेप्सी के लिए, है ना, बारबिट्यूरेट्स में फेनोबारबिटन, ठीक है। और एक होता है
सक्सिनी माइट्स इथोसक्सिमाइट जिसको बोलते हैं, तीसरा है सक्सिनी माइट्स और इसके अंदर आता है इथोसक्सिमाइट्स ठीक है, और तीसरे में चौथे कैटेगरी में आता है गाबा इनहिबिटर्स। हमने पढ़ा था कल, इसके बारे में भी पढ़ा था, गाबा एंजाइम को कुछ ड्रग ऐसे क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, गाबा एंजाइम जिसको हम बोलते हैं गाबा ट्रांसमिनेज इनहिबिटर्स जिसको हम, इसमें आता है सोडियम वाल्पोरेट है ना। तो देखो गाबा ट्रांसमिनेज इनहिबिटर्स मींस ये जो एंजाइम होता है ट्रांसमिनेज, ये ऐसी लगा है मींस एंजाइम है, ये जो ट्रांसमिनेज है ये गाबा रिसेप्टर को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, तो हम इस एंजाइम को यहां क्या करेंगे, इनहिबिट करने का काम करेंगे जिससे कि गाबा का एक्शन जो है वो और ज्यादा प्रोड्यूस हो ठीक है। चलिए बात करते हैं फिफ्थ जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोस्टिबिन, एक नाम बोला गया है इम्यूनोस्टिबिन और इम्यूनोस्टिबिन में कार्बामाजिपिन ये इंपोर्टेंट ड्रग होता है, कार्बामाजिपिन और कार्बामाजिपिन को हम जो है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के हिसाब से भी लेते हैं, कार्बामाजिपिन। फिर इसमें आता है गाबा एगोनिस्ट, बहुत सारे ड्रग हैं गाबा एगोनिस्ट मीन्स गाबा की तरह कुछ ड्रग्स काम करते हैं, गाबा पेक्टिन ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कल बेंजोडाइजिपिन्स में हमने पढ़ा था डायजिपाम है ना, हमने पढ़ा था लोराजिपाम, तो ये सारे इसमें बहुत सारे ड्रग्स आ जाते हैं ठीक है। और एक होता है फिनाइल ट्रायाजिन, और एक जो ड्रग होता है वो होता है फिनाइल ट्रायाजिन, इसमें फिनाइल ट्रायाजिन में लोमा ट्राइजिन तो ये ड्रग्स आपको याद रखना है। तो ये सभी ड्रग्स जो है एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए हेल्प करते हैं, तो सबका काम जो है थोड़ा थोड़ा अलग है लेकिन देखा जाए तो, अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ड्रग्स होते हैं मेनली ये गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं है ना, गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। कल हमने गाबा रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था, गाबा रिसेप्टर जो है ये इनहिबिटोरी एक्शन प्रोड्यूस करता है। देखो जो एपिलेप्सी पेशेंट को जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रहे हैं ब्रेन में, उसके वजह से एक्साइटमेंट हो रहा है तो उस एक्साइटमेंट को काउंटर करने के लिए हम ऐसा कुछ ड्रग्स लेंगे या रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे जो कि इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करते हो, तो गाबा जो है वो बेस्ट चॉइस है, समझ लो। एक्साइटेटरी में अलग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, लेकिन इनहिबिटरी ड्रग्स में देखोगे गाबा जो है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है। तब मैंने जैसे कि बोला था आपको, एक्साइटमेंट जब होता है तो आपका मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, लेकिन गाबा जो है ये इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है मींस गाबा जो है ये मसल्स को रिलैक्स करेगा, तो आपके एपिलेप्सी या सीजर्स में क्या हो रहा है,
मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट हो जा रहे हैं, स्पाजम हो जा रहे हैं, स्टिफनिंग हो जा रहे हैं, तो उनको जो है रिलैक्स करने का काम इस गाबा का होता है, गाबा रिसेप्टर का होता है, समझ लो गाबा रिसेप्टर का होता है। तो एक्साइटमेंट को काउंटर किया जा रहा है, एक्साइटमेंट को काउंटर किया जा रहा है। तो ये एक तरह से हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, ये सारे ड्रग्स का एक तरह से ये हो गया, गाबा रिसेप्टर को कैसे करके एक्टिवेट करें ताकि वो जो है इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करे, मसल्स को रिलैक्स करे। और दूसरा जो है वो है सोडियम चैनल, सोडियम चैनल, सोडियम चैनल को ड्रग्स जो है ये ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो ये जो सोडियम आयन्स है जब सेल के बाहर से सेल के अंदर जाता है तो मसल्स जो है कंट्रैक्ट होते हैं, इस तरीके से भी मसल जो है कंट्रैक्ट होता है सोडियम आयन्स की वजह से। तो सोडियम चैनल के थ्रू ये जो है मसल, सॉरी आपके सेल के अंदर जाते हैं, समझ रहे हो। ये होता है बेसिक, आप बोल सकते हो फार्माकोलॉजी, बेसिक फार्माकोलॉजी, ठीक है। चैनल्स क्या है, रिसेप्टर्स क्या है, ये आपको पता है तो आप जो है फटाफट इसको समझ पाओगे, फटाफट इसको समझ पाओगे, मैं जो बोलना चाहता हूं वो भी आप अच्छे से समझ पाओगे, समझ लो। तो ये दो तरीके से ये सारे ड्रग्स अपना काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं इनमें से कुछ ड्रग्स जो होते हैं जैसे कि फेनोबारबिटन, मैंने बताया था ये गाबा रिसेप्टर में जाके बाइंड करते हैं, कल ही मैंने बताया था, है ना। इसमें डायजिपम, लोराजिपम, जो बेंजोडाइजिपिन्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं गाबा रिसेप्टर में जाके बाइंड करते हैं, समझ लो। ये फेनाइटोइन ये सोडियम चैनल पे काम करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, जिसके वजह से सेल के बाहर से सेल के अंदर में सोडियम जो है अंदर नहीं जा पाता, ये चैनल के थ्रू जाता है। तो चैनल में, चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा तो सोडियम कैसे बाहर से अंदर जाएगा, जिसके वजह से मसल्स कंट्रैक्शन नहीं होगा, समझ लो। तो ये सीजर्स में ऐसे ड्रग लिया जाता है जो कि मसल्स को ज्यादातर रिलैक्स करने का काम करते हैं, रिलैक्स करने का काम करते हैं, है ना। और ये सोडियम चैनल के वजह से जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो भी बढ़ता है, क्योंकि मैंने बताया था ये जो आयन्स होते हैं, जो कैटायन्स एनायन्स होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इनके वजह से ये जब एक्सचेंज होते हैं तो एक्सटर्न पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्सटर्न पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो न्यूरॉन्स में चलते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम चैनल को हम कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को भी हम ब्लॉक कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो हम दो तरीके से ये सारे ड्रग्स दो तरीके से अपना काम कर सकते हैं, एक तो गाबा रिसेप्टर को इनहिबिट करो या सोडियम चैनल को ब्लॉक करो। समझ में आया हो, समझ में आया हो तो लिखो, समझ में आया हो तो लिखो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, सभी लिखेंगे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, समझ में आया हो तो लिखेंगे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, फटाफट लिखियो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, सब लिखो, ठीक है। तो दो तरीके से ये अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। तो वन बाय वन जो है हम ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, उनके बारे में मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, उसके एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, फटाफट 5-10 मिनट में खत्म करेंगे। समझ में आया क्या आप लोगों को, समझ में आया या नहीं? नो रेस्पॉन्स, नीरज, सिमी, SRM, वैभव, मुकेश, मन्नत, ओके, नीरज को समझ में आया, नीरज को समझ में आया, बाकी लोगों को, बाकी लोगों को, ठीक है। चलो बात करते हैं, ये जो पहला ड्रग्स है हाइडेंटोइन, हाइडेंटोइन में मेनली हम फेनाइटोइन की बात करते हैं, क्योंकि फेनाइटोइन जो है वो वन ऑफ द इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है इपिलेप्सी के लिए, है ना, वन ऑफ द इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इतना डिप्लोमा में किसी को, कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, कोई भी टीचर आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो जो है हमेशा सुपरफिशियली पढ़ा देंगे इपिलेप्सी क्या होता है, समझ रहे हो, कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा,
ठीक है, तो हम बात करेंगे फेनाटोइन के बारे में, फेनाटोइन मिथाटोइन एक ही ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो ड्रग होता है ये सिमिलर होता है बारबिट्यूरेट्स के साथ, बारबिट्यूरेट्स के साथ जो हमने पढ़ा था बारबिट्यूरेट्स, इसके बाद में आता है बारबिट्यूरेट्स, हम कल भी पढ़े थे। तो ये फेनाटोइन जो है ये बारबिट्यूरेट्स के जैसा काम करता है, बारबिट्यूरेट्स को काम करता है मींस ये जो है गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है ना। तो बारबिट्यूरेट्स सिमिलर टू बारबिट्यूरेट्स, एक पॉइंट लिख दिया मैंने, ठीक है, एक पॉइंट लिख लिया, ठीक है। और ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसके इंसेंट, उसके जो इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी बोल सकते हो, और दूसरा है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, ये दोनों को रिड्यूस करने का काम करता है जिससे कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो सके, समझ लो। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो उसका इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करता है, ड्यूरेशन को रिड्यूस करने का काम करता है कन्वर्शन टाइम पे, कन्वर्शन टाइम पे, समझ लो। मोड ऑफ एक्शन अगर देखेंगे, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये मेनली सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, सोडियम चैनल को जो है ये ब्लॉक करने का काम करते हैं, ठीक है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो जो न्यूरॉन्स का जो फायरिंग होता है वो रुक जाता है इसमें, इसके वजह से जो न्यूरॉन्स का इलेक्ट्रिकल फायरिंग्स, फायरिंग्स, फायरिंग्स मतलब इलेक्ट्रिकल जो मूवमेंट हो रहा है, फायरिंग्स हो रहा है उसको, ये जो है जो रिपीटेड, जो रिपीटेड इलेक्ट्रिकल फायरिंग्स हो रहा है न्यूरॉन्स में उसको ये बंद करता है, ठीक है। तो ये होता है मोड ऑफ एक्शन। तो फेनाटोइन मोड ऑफ एक्शन आप समझ गए, यूजेस वही यूजेस आप बोल सकते हो इपिलेप्सी में इस्तेमाल होता है, इपिलेप्सी में, ठीक है, इपिलेप्सी में ये इस्तेमाल होता है, सीजर्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा है डिजिटलिस, डिजिटलिस हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे डिजिटलिस, है ना। डिजिटलिस जो है ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इस्तेमाल होते हैं, जब आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं करता, अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं करता, अच्छे से जो ब्लड है उसको पंप नहीं करता, तब डिजिटलिस दी जाती है, है ना। और डिजिटलिस का एक साइड इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एरिथमिया, एरिथमिया। तो एरिथमिया क्या होता है आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, है ना। डिजिटलिस के वजह से एरिथमिया होता है, एरिथमिया जो होता है ये यहां नाम पे छुपा है, ए रिथमिया, रिथमिया मींस रिदम, हार्ट का रिदम, रिदम जो है जब एबनॉर्मल हो जाता है, जो आपका लव डब जो रिदम है हार्ट का वो उसमें अगर एबनॉर्मलिटी आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एरिथमिया। और एरिथमिया जो है डिजिटलिस के वजह से होता है, और उस डिजिटलिस के वजह से जो एरिथमिया हो रहा है उसको ठीक करने के लिए हम जो है फेनाटोइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यूज्ड इन डिजिटलिस इंड्यूस्ड एरिथमिया, डिजिटलिस के वजह से एरिथमिया होता है तो इसको जो है हम फेनाटोइन से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट अगर देखोगे, एडवर्स इफेक्ट देखोगे तो ये जो है टेराटोजेनिक ड्रग्स है, टेराटोजेनिक ड्रग्स मींस ये जो है जो नवजात शिशु होता है मां के पेट में उसको भी ये कभी कभी जो है इसका डेथ का कारण बनता है, उस बच्चे का नवजात शिशु का डेथ का कारण भी बनता है, समझ रहे हो। तो फेनाटोइन जो है प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दी जाती, टेराटोजेनिक, ठीक है। फिर देखोगे तो इसमें ब्लड का जो फोलिक एसिड लेवल होता है ना, ब्लड का जो फोलिक एसिड लेवल होता है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है, ये फेनाटोइन का एडवर्स इफेक्ट होता है ना। इसके वजह से ब्लड लॉस होता है
है ना, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो कम होते हैं, एनेमिया होता है, एनेमिया, रिकेट्स, आपने पता है रिकेट्स आपको, तो ये रिकेट्स हो सकता है जिसमें ब्लड का काउंट जो है वो कम होता है, एनेमिया, एनेमिया होता है, ठीक है, ब्लड लॉस, ठीक है, तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा है फेनोबार्बिटन, इसके दूसरे क्लास में हमने बार्बिट्यूरेट्स लिया था, बार्बिट्यूरेट्स के अंडर आपको मिल जाएगा फेनोबार्बिटन। फेनोबार्बिटन भी एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है या एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है, इसको हम कभी कभी एंटी एपिलेप्टिक भी बोलते हैं, एंटी एपिलेप्टिक भी बोलते हैं, एंटी एपिलेप्टिक, जो एपिलेप्सी को ठीक कर सके, ठीक है। और फेनोबार्बिटन जो है, हम कल पढ़े थे फेनोबार्बिटन के बारे में, बार्बिट्यूरेट्स के बारे में पढ़े थे। फेनोबार्बिटन जो है ये फर्स्ट इफेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होता है, फर्स्ट इफेक्टिव, ठीक है। और ये गाबा, गाबा ए रिसेप्टर को जो है एक्टिवेट करता है, जिससे कि क्लोराइड आयन जो है सेल के अंदर जाता है और ये क्या करता है, इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है। इनहिबिटरी एक्शन मींस मसल्स को ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं, मसल्स रिलैक्स, खत्म। वन लाइन में आप लिख सकते हो, वन लाइन में आप लिख सकते हो, ठीक है। यूजेस वही है, यूजेस के बारे में और नहीं बोल रहा हूं, यूजेस जो है वही है, एपिलेप्सी को ठीक करना है। एडवर्स इफेक्ट हमने कल पढ़ा था, देखो ये फेनोबार्बिटन लोगे तो आपको बहुत ज्यादा नींद आएगा, सेडेटिव, सेडेटिव, सेडेटिव हिप्नोटिक्स के बारे में पढ़ा था ना, बहुत ज्यादा नींद आएगा, इसके वजह से सीएनएस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि लर्निंग, आप जो है ध्यान से नहीं पढ़ पाओगे, है ना, आप ध्यान से जो है किसी भी चीज को मेमोराइज नहीं कर पाओगे, मेमोरी इंपेयरमेंट, समझ लो। कुछ कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी करता है, हाइपर एक्टिविटी मीन्स वो बहुत जल्दी जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन, है ना, ये कंफ्यूज करता है लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये जो है कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा देखोगे तो बॉडी में रैसेस होने की चांसेस रहते हैं, खुजली, मेटाबॉलिक एनेमिया, एनेमिया, एनेमिया भी होता है, एनेमिया, ठीक है, एनेमिया भी होता है, ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया भी होता है, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया, तो ऑस्टियोमेलेसिया क्या है, जो आपका बोन है ना, बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, जिसके वजह से वो जो है चांसेस ये ज्यादा रहेंगे कि बोन जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, तो ऑस्टियोमेलेसिया हो सकता है, एनेमिया हो सकता है, रेसेस हो सकता है, ये सारी चीजें जो है हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोडियम वैल्पोरेट, सोडियम वैल्पोरेट हम पढ़ेंगे, सोडियम वैल्पोरेट इस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम वैल्पोरेट, ठीक है, सोडियम वैल्पोरेट। तो ये जो ड्रग होते हैं ये इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, सीधा ये क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करते हैं, ब्लॉक सोडियम चैनल, ब्लॉक सोडियम चैनल, ठीक है। तो ये मेनली हमने जो पढ़ा था, जो टोनिक क्लोनिक सीजर्स पढ़ा था उसको ये कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर्स, है ना, हमने जो फोटो देखे थे टोनिक क्लोनिक सीजर, इसको हेल्प जो है ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें अगर बस वही है, यूजेस आपको पता है, इसका ये एमओए हो गया, यूजेस आपको पता है, यूजेस, यूजेस तो वही है, सोडियम वैल्पोरेट मेनली एपिलेप्सी को ठीक करने में, ठीक करने में पेशेंट को दिए जाते हैं, है ना। एडवर्स इफेक्ट अगर देखोगे, एडवर्स इफेक्ट तो पहले तो होगा एनोरेक्सिया, ए एन ओ आर ई एक्स आई ए, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया होता है ईटिंग डिजॉर्डर, ईटिंग डिजॉर्डर। तो यहां जो है खाने में बहुत नखरे करेगा, वो बच्चा जो है खाने में बहुत नखरे करेगा ये ड्रग खाने के बाद, ठीक है, जिसके वजह से वेट लॉस होगा,
वेट लॉस, ये होता है एनोरेक्सिया। इसके अलावा उसको वोमिटिंग का सिम्टम्स आ सकता है, वोमिटिंग का सिम्टम्स आ सकता है, उसके जो जलन है छाती में जलन होगा, हार्ड बर्न, छाती में जलन होगा, हार्ड बर्न, है ना, हार्ड बर्न हो सकता है। उसके बाल भी झड़ सकते हैं, एलोपेसिया जिसको हम बोलते हैं, इसके बाल भी जो है एलोपेसिया, बाल भी झड़ सकते हैं। हेयर लॉस, हेयर लॉस भी बोल सकते हैं उसको, हेयर लॉस, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं सोडियम वाल्पोरेट के, है ना, सोडियम वाल्पोरेट। इसके अलावा देखोगे तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स जो आपके प्लेटलेट्स काउंट होते हैं ब्लड में वो डिक्रीज होते हैं, प्लेटलेट, प्लेटलेट काउंट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। पेनिया का मतलब होता है लॉस या लो, ये थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एक प्लेटलेट होता है ब्लड में, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेनिया मींस लॉस, थ्रोम्बोसाइट्स का लॉस को बोलते हैं हम डिक्रीज प्लेटलेट काउंट इन ब्लड। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होता है, है ना, हाइपर सेंसिटिविटी, तो बहुत सारे इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो मोड ऑफ एक्शन आपने जाना, यूजर्स जाना और एडवर्स इफेक्ट जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो अनदर ड्रग है वो है कार्बामाजिपिन, कार्बामाजिपिन। सभी का, सभी ड्रग्स का, सभी क्लासिफिकेशन के एक ही ड्रग जो है हम ले रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं। डायजिपाम मैं नहीं बताऊंगा, डायजिपाम ऑलरेडी हमने कल पढ़ा है, उसको आप लिखोगे, है ना, उसको आप लिखोगे। कार्बामाजिपिन, कार्बामाजिपिन, ठीक है, कार्बामाजिपिन जो होता है ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट, समझ लो, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए भी इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूज में आप इसको ये भी लिख सकते हो। मोड ऑफ एक्शन देखा जाए, मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन, तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करता है, ब्लॉक सोडियम चैनल, है ना, ब्लॉक सोडियम चैनल। सोडियम चैनल अगर ब्लॉक होता है तो जो फायरिंग है, जो न्यूरॉन्स का फायरिंग है, इलेक्ट्रिकल फायरिंग्स, वो भी बंद हो जाता है, मींस उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। यूजर्स वही मैंने जैसे कि बोला, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, है ना। एडवर्स इफेक्ट अगर देखोगे, और इसमें और भी आ जाएंगे, एपिलेप्सी, और ऑब्वियसली एपिलेप्सी हम पढ़ रहे हैं, एपिलेप्सी, ठीक है। इसके अलावा अगर कार्बामाजिपिन का देखोगे तो बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट हैं इसका, अटैक्सिया हो गया, डिप्लोपिया हो गया, डिप्लोपिया, डिप्लोपिया का मतलब डबल विजन, एक ऑब्जेक्ट जो है आपको डबल दिखाई देगा, है ना, तो डबल विजन डिप्लोपिया बोल सकते हो, वर्टिगो बोल सकते हो, चक्कर आना, चक्कर आना, है ना, ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस, नींद आएगा, तो ये जो है सीएनएस रिलेटेड डिजॉर्डर इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये कार्बामाजिपिन का मोड ऑफ एक्शन, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट, इतना बस आप लिखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और एक ड्रग होता है जिसको हम बोलते हैं गाबापेक्टिन, गाबा एगोनिस्ट जिसको हम बोलते हैं, गाबापेक्टिन, गाबा एगोनिस्ट, इसके अंदर एक ड्रग होता है जिसको हम बोलते हैं गाबा, जी ए बी ए पेक्टिन, गाबा पेक्टिन। तो ये ऑब्वियसली गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और क्लोराइड चैनल को ओपन करेगा, क्लोराइड चैनल सेल के अंदर आएगा तो इनहिबिटरी एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा, जिससे कि मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगे, ऑब्वियसली गाबा पेक्टिन, गाबा का नाम यहाँ यूटिलाइज हो रहा है, गाबा पेक्टिन, ठीक है। और ये इसका जो यूजेस है, इसको हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं, सिंगल यूज में नहीं देते, ठीक है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में ऑफ एपिलेप्सी, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट अगर देखोगे तो अटैक्सिया, अटैक्सिया, अटैक्सिया क्या होता है,
अटैक्सिया जो होता है ये ग्रुप ऑफ डिजॉर्डर होता है, ग्रुप ऑफ डिजॉर्डर दैट अफेक्ट कोऑर्डिनेशन बैलेंस एंड आप बोल सकते हो स्पीच। आप जो है प्रॉपर बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे, बॉडी जो है बैलेंस में नहीं रहेगा, बॉडी जो है आप अच्छे से बात भी नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे लोगों का, समझ रहे हो, ये होता है अटैक्सिया, है ना, अटैक्सिया। फिर होता है डिजीनेस, डिजीनेस, डिजीनेस मतलब कोई कोई देखना आप वो जो है चक्कर आने पर गिर जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, जिसको हम फेंट बोलते हैं, फेंट फेंट, ये होता है डिजीनेस। और एक होता है फटीगुई, फैटिक, फटीगुई जो भी आप बोल सकते हो। तो फैटिक का मतलब होता है थकावट, थकावट। तो हमने देखा जब उसको टोनिक क्लोनिक सीजर होता है तो वो जो है जमीन में पड़ता है, मसल जो है कंट्रैक्ट होते हैं, स्टीप होते हैं, ट्विस्टिंग होते हैं, तो तोड़ मरोड़ जैसा स्थिति जो है उसका हो जाता है, फिर जो है वो थक जाता है। तो ये एक इसका फटीगुई जो है इसका एडवर्स इफेक्ट भी है, और सीजर्स होने पर भी वो बंदा जो है थक जाता है, उसके होशो आवाज में जो है वो नहीं रहता, ठीक है। और एक ड्रग होता है जिसको हम बोलते हैं, और इसको हम कल पढ़े थे, क्लोनाजिपाम, डाइजिपाम, क्लोनाजिपाम, क्लोनाजिपाम, और ये बेंजोडाइजिपिन्स के अंदर आता है, और बेंजोडाइजिपिन्स हम कल पढ़े थे, ये भी कहीं ना कहीं गाबा रिसेप्टर को जो है पोटेंशिएट कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है, जिसके वजह से गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो इनहिबिटरी एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है ना, इनहिबिटरी एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है, ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नींद आएगा, सेडेशन, डलनेस, कुछ करने का मन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग के अंडर आते हैं, एंटी कन्वर्सेंट ड्रग भी आप बोल सकते हो। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? इतना सारा ड्रग्स आपको लिखना है ना, इतना सारा ड्रग्स आपको लिखना है। तो दो तरीके से हम जो है एपिलेप्सी को काउंटर कर रहे हैं, एक तो गाबा रिसेप्टर के थ्रू और एक सोडियम चैनल के थ्रू, सोडियम चैनल के थ्रू। एनी डाउट यू हैव माय डियर स्टूडेंट्स? अलग अलग समझ में आया तो क्लास को खत्म करें, क्लास को खत्म करें क्या? बहुत होता है एक घंटा पढ़ना, है ना, बहुत होता है एक घंटा पढ़ना। तो मिर्गी, मिर्गी का इलाज जो है यही है, मिर्गी का कोई सटीक इलाज नहीं होता, लेकिन हम उसके सिम्टम्स को, उसके साइन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दिस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, या बोल सकते हो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, ठीक है। तो यहां आपका टॉपिक नंबर 3 जो है खत्म होता है, कल पढ़ेंगे एंटी एंजाइटी, एंजाइटी कल पढ़ेंगे हम एंजाइटी के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू अच्छे से सुनने के लिए, पेशेंटफुल सुनने के लिए, है ना, ऐसे ही सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।